अमेरिका के बीच में संबंध ऐसे हो गए हैं कि दोनों में से कोई भी देश किसी भी बात को लेकर समझौता नहीं करना चाहते। अमेरिका कोरोना फैलाने के लिए पहले ही चिल्ला चिल्ला कर चीन को जिम्मेदार ठहरा चुका है। उसके बाद उसका चीन के साथ साउथ चाइना सी को लेकर भी विवाद है और अब तो चीन के भारत के साथ विवाद में भी अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है। यानी कि अमेरिका चीन को एक के बाद एक कई झटके देता चला जा रहा है। अब अमेरिका ने फिर एक बार हांगकांग के जरिए चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। चीन ने हांगकांग में जबरदस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया तो अमेरिका को ये बात भी नागवार गुजरी। इसलिए बुधवार को ट्रंप प्रशासन ने हांगकांग के साथ तीन द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया जिसमें प्रत्यर्पण और कर छूट भी शामिल है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टगस के मुताबिक, हमने तीन द्विपक्षीय समझौतों के निलंबन या समाप्त करने के फैसले के बारे में 19 अगस्त को हांगकांग के अधिकारियों को सूचित कर दिया। इन समझौतों में भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा पाए लोगों का स्थानांतरण और जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर पारस्परिक कर छूट देना शामिल है। चीनी सरकार पर निशाना साधते हुए मॉर्गन ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्तता खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं जिसका बीजिंग ने यूएन में पंजीकृत चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र के तहत यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के लोगों से 50 साल के लिए वादा किया था। मॉर्गन ने चीन के हांगकांग पर किए जा रहे अत्याचारों को लेकर अमेरिका का रुख साफ कर दिया है। मॉर्गन के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इस तरह अमेरिका हांगकांग को एक देश एक सिस्टम के तौर पर स्वीकार करेगा और हर उस शख्स के खिलाफ एक्शन लेगा जिसने हांगकांग के लोगों की आजादी को कुचला है। अमेरिका का साफ कहना है कि चीन ने एशिया के ट्रेडिंग हब की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक आजादी पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून थोपा है। आपको बता दें, चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपा है जिसके मुताबिक अगर हांगकांग का कोई भी शख्स चीन से संबंध तोड़ना चाहेगा या उससे अलग होगा तो वो चीन की तरफ से सजा भोगेगा। इसके अलावा अगर हांगकांग का कोई भी शख्स केंद्रीय सरकार के शासन को नहीं मानता है या उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसे भी चीनी सरकार की तरफ से सजा दी जा सकती है। इसके अलावा आतंकवाद, लोगों के खिलाफ हिंसा करना या फिर उन्हें डराना धमकाना भी हांगकांग के लिए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही विदेशी ताकतों से साठगांठ भी हांगकांग के लिए चीन में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यही कानून है जो अमेरिका को चुभ रहा है, इसलिए अमेरिका ने हांगकांग के साथ किए अपने तीन समझौतों को खत्म कर दिया है।